हम बनाने जा रहे हैं कैथ का अचार, जो कि हम इसके लिए लेंगे कैथा। और कैथ को हम डाल देंगे पहले सिलबट्टे के अंदर उसको तोड़ने के लिए, फिर उसके बाद हम निकालेंगे उसके छिलके। और छिलके आराम से निकालें, हाथ में लग भी सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसके छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। फिर हम मसाले तैयार करेंगे, धनिया, सरसों और सौंफ, ज़ीरा, जीरा, और इन सबको भून लेंगे पहले, मतलब फ्राई कर लेंगे पैन में डाल के। फिर जब सारी चीज़ें फ्राई हो जाएंगी, हल्का कलर उनका चेंज हो जाएगा, तो मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। पीसने के बाद कैथ को भी तोड़ लेंगे हम, और जो पिसे हुए मसाले हैं तो उनको हम साइड में रख देंगे। और सारे मसाले को बारीकी पीसना है, और पीली सरसों अलग से लेके थोड़ी सी पीसनी है बिना भुने। फिर उसके बाद कैथ को हम मिक्सी में डाल के पीस देंगे अच्छी तरीके से, जैसे कि देख पा रहे हैं हम इसे पीस दिए हैं। उसके बाद हम सारे मसाले रेडी कर चुके हैं, और इसमें अभी लहसुन नहीं है, तो हम लेंगे लहसुन, मिर्चा और थोड़ी सी अदरक, जो कि उसको भी हम कूट लेंगे या मिक्सी में पीस लेंगे। और हमारा कैथा भी रेडी है, तो लेंगे पैन और गैस को थोड़ा कम में करेंगे, और उसके बाद उसमें डालेंगे एक एक करके धीरे धीरे मसाले। तो हम डालेंगे सबसे पहले इसमें सारे मसाले, मसाले को एकदम फ्राई होने देंगे, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे और कलर चेंज होने तक रहने देंगे। कैथ में हमने नमक डाल दिया, सारे मसाले मिक्स करके कैथ को हमने नीचे उतार दिया। रेडी है कैथ का अचार। और जी ये कैथ का अचार है, इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं आप, सड़ेगा नहीं बिल्कुल।